आज हम चालू करने वाले हैं स्पेसिफिकेशंस कुछ बताएंगे होंडा एक्टिवा और होंडा एविएटर की, और सिनेमिक शॉट बताएंगे इसमें। और तो आज बात करते हैं फिर इसकी स्पेसिफिकेशंस की। ये तो होंडा एविएटर वैसे तो जेन्युइन ही आती है लगभग, इसमें ना ज़्यादा कोई फंक्शंस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं चाबी वगैरह नॉर्मल है और एलॉय व्हील्स हैं। इसमें ड्रम है, ये तो स्टिकर वगैरह तो मैंने करवा रखे हैं इस पर बाहर से, तो इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 100-200 रुपये का हो जाता है। अच्छी लगती है, लुक अच्छा आता है इससे गाड़ी का, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। होंडा वालों ने इसमें ज़्यादा कुछ चेंज किया है नहीं एज़ पर द टाइम मैनेजमेंट। और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप वाइटनर से ये कर सकते हैं टायर पे ब्रांडिंग टाइप में, अच्छा लगता है जब मूविंग मोशन में होती है गाड़ी। और अब बात करते हैं होंडा एविएटर की, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी में अब होंडा एविएटर, ये होंडा एक्टिवा 5G है, ये मतलब काफ़ी मोस्ट सेलिंग स्कूटीज़ में से है, और इसमें काफ़ी सारा चेंज भी आया हुआ है एज़ पर द मॉडल एंड द जनरेशन। इसमें खूब सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दिखे, ये सीट का बटन है, पहले हमें यहाँ से अलग से एक बटन आता था, मतलब की टाइप में आता था, उससे हमें खोलना पड़ता था। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, दोनों गाड़ियों में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, ये मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। और इसमें LED हेडलाइट दी जाती है आपको, और ये DRL है, उसमें नॉर्मल हैलोजन बल्ब है। ये वैसे इंजन में कंपैरिजन करें तो ये 100cc की है, और होंडा एविएटर 110cc में आती है, सॉरी 109 में। और बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी आपको अच्छी लगी दोनों में से। अगर आप चाहते हैं कि एक ड्रैग रेस की वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और वैसे जिस बाइक की है ये मतलब बड़ा खींच के लेता है इसको, और गंदी वंदी जो है आपको दिख रही होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेंटेन रखता नहीं है इस गाड़ी को। और जैसे कि आप मेरी गाड़ी देख ही सकते हैं ये साफ़ सुथरी है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मेंटेन रखता हूँ इसको। और दोनों ही स्कूटर्स में या मोपेड्स जो कह सकते हैं अपन, HED टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसका है HED का फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता, दोनों BS4 हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, दोनों मुझे बताना कौन सी अच्छी लगे। ओके चलो भाई, देखते हैं अब अगली वीडियो, मिलते हैं, बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।